हेलो किड्स, वेलकम टू एडू फेवर स्कूल। और आज हम आपके साथ करने वाले हैं साइंस एक्सपेरिमेंट। और आज हम करेंगे साइंस एक्सपेरिमेंट किसे? फायर से एंड बैलून के साथ। तो आप कभी भी अगर आपके ऊपर बैलून को डालते हैं, वो बैलून क्या होता है? फूट जाता है ना, फूटता है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि जो खाली बैलून है उसे अगर हम किसी भी फायर के ऊपर आपके ऊपर डालते हैं तो फट जाता है, लेकिन अगर हम बैलून के अंदर पानी भर के फिर उसको आपके ऊपर डालते हैं तो वो नहीं फूटता है। क्यों नहीं फूटता है? हम भी जाके के पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, बैलून फूटता है या नहीं फूटता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले एक खाली बैलून, इसे आप अपने साथ फुलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले आप एक खाली बैलून को फुला के रखेंगे और दूसरे बैलून में आपको भरना है पानी। ओके, इस तरीके से दो बैलून आपको लेना है। और इसके अलावा आपको क्या क्या चाहिए? मोमबत्ती एंड माचिस। चलिए पहले हम मोमबत्ती को जलाते हैं। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने खाली बैलून रखा था इसे डालते हैं, देखते हैं फूटता है नहीं फूटता है। देखा, जैसे ही मैंने फायर के ऊपर बैलून को डाला, बैलून क्या हुआ? बर्स्ट हो गया एक तेज आवाज के साथ। लेकिन जब हम इसे पानी के साथ डालेंगे, हमारा पानी के साथ, और इसे हम मोमबत्ती के ऊपर डालते हैं, अगर हम इसे मोमबत्ती के ऊपर डालते हैं, देखा आपने, तो ये बैलून हमारा जो है मोमबत्ती के आग के बावजूद भी नहीं फूटता है। इसका क्या कारण होता है? कारण आपको पता है? क्योंकि बैलून में जो पानी है ये मोमबत्ती द्वारा उत्पन्न गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिससे कि बैलून जो है वो नहीं फूटता है। तो एक्सपेरिमेंट कैसा लगा? अगर हमारा एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा, ट्राई कीजिए और हमारे पेज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी न्यू वीडियोस की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। बाय।